त्रयोदशः पाठः। प्रातः भ्रमण क्या देता है? प्रातः भ्रमण आरोग्य, आनंद और स्फूर्ति से जीवन भर देता है। प्रातः भ्रमणम्। प्रातः भ्रमणम् अतीव स्वास्थ्यप्रदं भवति। अस्मिन् समये शुद्धः पवनः वहति। सर्वत्र वातावरणं शान्तिप्रदं, मनोहरं, आह्लादकरं च भवति। सूर्यस्य किरणाः अनुपमं सौन्दर्यं प्रसारयन्ति। अनेके जनाः सूर्योदयात् पूर्वं शय्यां त्यक्त्वा भ्रमणाय गच्छन्ति। केचन जनाः उद्यानं गत्वा व्यायामं कुर्वन्ति। सुबह घूमना अत्यधिक लाभकारी होता है। इस समय शुद्ध हवा बहती है। सब जगह वातावरण शांतिप्रद, मनोहर और प्रसन्नता देने वाला होता है। सूर्य की किरणें सुंदरता फैलाती हैं। अनेक लोग सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर को त्याग कर बगीचे में जाकर व्यायाम करते हैं। प्रातः भ्रमणेन अनेके लाभाः अपि सन्ति। यथा जनाः स्वकार्याणि समयेन कर्तुं शक्नुवन्ति। शरीरे आलसस्य नाशं स्फूर्त्या च संचारं भवति। चित्ते सदैव प्रसन्नता वर्तते। मधुमेह रोग ग्रस्तेभ्यः जनेभ्यः तु प्रातः भ्रमणम् औषधिः सदृशं वर्तते। ते प्रतिदिनं प्रातः काले भ्रमणाय गच्छन्ति, स्वास्थ्यं च विन्दन्ति। एतदर्थम् इयं वेला अमृतवेला अपि कथ्यते। अतः अस्माभिः प्रातः भ्रमणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। सुबह घूमने से बहुत से लाभ भी हैं, जैसे लोग अनेक कार्य समय पर करने के लिए समर्थ होते हैं। शरीर में आलस्य का नाश और स्फूर्ति का संचार होता है। मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है। मधुमेह रोग से ग्रसित लोगों के लिए तो सुबह घूमना औषधि के समान है। वे प्रतिदिन सुबह घूमने के लिए जाते हैं और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए यह समय अमृत बेला भी कहा जाता है। इसलिए हमें भी सुबह अवश्य घूमना चाहिए।